अलग से दावत देनी पड़ेगी, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह पाक के कर्म से हम भी ठीक हैं। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और लग रहा है सुबह का टाइम है, तो उससे मौसम जो इस टाइम बहुत अच्छा हुआ, गर्मी है थोड़ी, बस हवा चल रही, कल माशाल्लाह ज़्यादा हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो अभी जो है मैंने किचन में मोरे के बर्तन मेरे सारे आप लोगों को दिख रहे होंगे, यकीन करें कल से मेरी इतनी टेंशन में समझ नहीं आ रही। मैंने हालाँकि सोच रखा था कि ये जो कपड़ा दिख रहा है ना आपको, तो इस दफ़ा मैंने सोचा था ईद पे ना ये चेंज करूँगी, जो मसले मसाइल बने तो यकीन करें दिल टूट गए मेरा। मैं वह न्यू कपड़ा पड़ा हुआ मैं बनाऊँ भी सिर्फ आगे मेरे काम ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कहती हूँ ईद को इसी तरह गुजार जाते, फिर तो जैसे ही पैसे मिलते हैं तो अपने घर जो चेंज करते हैं, अपने न्यू घर में शिफ्ट होते हैं इंशाल्लाह की मम्मी, तो वो भी आने वाली ईद के बाद, तो वो आएंगी तो जो मसले मसाइल होंगे इनसे जो है हमारे जो पैसे लेन देन होगी, और उसके बाद जो है फिर हम खुद डिसाइड करेंगे और यहाँ पे रहना है या मुझे गांव जाना है। तो दोनों अभी मैं सोचूँ मैं घूमूँ के अभी कोई डिसाइड फ़िलहाल नहीं हुआ, तो सोच रही हूँ फ़िलहाल कि मैं गांव जाऊँ पकी पकी गांव चली जाऊँ तो या यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, कोई पता नहीं है। तो बस तभी आज कल मेरा सफाई करने को भी दिल इस घर में नहीं कर, इतना दिल टूटा हुआ यकीन करें। तो बहरहाल होता रहेगा। तो अभी जो है मौसम भी अच्छा बना, छोटे के जो मैंने कपड़े भी धोएं और मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे जो हैं मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं, ये देखें फर्श धो रहे हैं यहाँ पे। तो धो रही तो मैं थी पर बच्चों ने कहा नहीं मम्मा इधर जो है हम खुद सफाई करेंगे, तो मैंने कहा चलो कर लो। बच्चियाँ आप लोगों को पता है बच्चियाँ सीखती हैं बाद में काम आते हैं, बच्चों को काम आता है, और कोई कोई बच्चे होते बाद में नहीं करते और कोई कोई होते नहीं वो करते ही, मतलब उनका शौक जो है बढ़ जाता है। और सिर्फ रह गए किचन के बर्तन, तो किचन के बर्तन भी धोते हैं कि नाश्ता किया मैंने, तो हस्बैंड आज बहुत ज़्यादा थके होते, कल जो है मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई ना, पता है क्या हुआ, क्यों हुआ कि कुछ और ये उठे पूरे टाइम पे वीडियो अपलोड करनी थी, वीडियो अपलोड कर रहे थे और ना इन्होंने कपड़े चेंज किए और इन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खा रहा, खाना जो है मैं साथ लेके चला जाऊंगा। असल जो कर रही थी मैं, तो उन्होंने जल्दी जल्दी की बस इतने में जो है चलेगी, जब ये चलेगी ये कहते मुझे बस में याद आया कि मुझे घर से सालन लेके जाना था, और जब इनके जाने के बाद मुझे याद आ गया तो भाई इन्होंने सालन भी नहीं लेके गए, तो यूँ हुआ। तो कह रहे थे रात को भी मैं बहुत थका हुआ था और वो आते साथ बस नाश्ता किया और वो सो गए, अभी वो फिलहाल सोए हुए हैं और अभी लाइट भी रुकी हुई, गर्मी वैसे बहुत हो रही है, अब सो रहे, बस आज जो अल्लाह करे बारिश आ ही जाए भाई, रोज़ ड्रामे। तो यहाँ पे जो है सालन ये सारे किचन की हालत बहुत बुरी है यकीन करें। तो अभी रात वाले बर्तन धोएं तो अभी ये सुबह वाले हो गए, ये भी धोती हूँ साथ साथ में। मैं कहती हूँ जो है पहले करेले साफ नमक लगा के काफ़ी देर रखनी पड़ेगी, जब तक जो है मैं बर्तन धोऊँगी और साथ साथ में जो है ये काम भी हो जाएगा। ये देखो ये करेले जो है मैंने मंगवाए, देखिए ये करेले हैं 1 किलो, तो आज जो इन्होंने कहा मुझे सिर्फ प्यास वाले खाने, तो मेरे पास मैंने कहा कीमा पड़ा तो कीमे में बना लेते, नहीं इन्होंने कहा नहीं आज तो आप ना सिर्फ प्यास में बना के दें। और ये देखें कितने माशाल्लाह प्यारे करेले, तो अभी इनको छील लेते हैं और फिर इनको जो है नमक लगा के रखते हैं। और यहाँ पर करेले जो है मैंने छील लिए और अभी इसे फ्रिज में रख देती हूँ, मेरे जहन में आके फ़िश पड़ी, फ़िश जो है वो बनानी है, तो अभी बनाते हैं फ़िश, इसको जो है फ्रिज में रख देते हैं। ये तो सो जा मेरा बेटा, ये झूले में सोएगा तो मैं काम करूँगी, जल्दी सो जा ला सो जाए। हुरैन ने ये कपड़े क्यों पहन लिए इसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर जो है इसने कपड़े पहने हुए हैं, ये देखें रखते हैं, ये कैसे पहनी हुई है कमीज, हाँ ऐसे पहनते हैं इसने पहनी हुई, देखो लड़की ने, ये देखें उसको मैं इधर मैं फैला देती हूँ, बाहर चल रही है हवा और ये कपड़े गिर रहे नीचे जी जान। ज़ैफ़ा जो झूले से निकल आए ये देखें, ज़ैफ़ा ये देख क्यों झूले से निकले बाहर, हाँ झूले से क्यों बाहर आए, शरारती है शरारती गंदा। तो अभी हो रहे दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा जो है मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए जो है पुलाव बना लेती हूँ, आलू और मटर वाला जो है मैं पुलाव बना रही हूँ, ये देखें थोड़े से 1 पाव मटर थे और थोड़े से जो आलू मैंने काट लिए और 1 पाव जितने जो मैंने चावल निकाल लिए, क्योंकि अभी स्लिम तो हैं वो एक ही दफ़ा शाम को उठेंगे और खाएंगे, तो उनकी फरमाइश आज बनाने थे करेले, खैर आज करेले रहने दिए तो ऊपर रख दिए मैंने, तो इंशाल्लाह कल बनाऊँगी, फ्रिज में तभी नहीं रख रही, तो आज मैंने कहा उसको उसी को बना लेती हूँ, तो वो भी बनाती हूँ, पहले बच्चों के लिए ये बनाती हूँ उसके बाद जो है दूसरा सालन जो फिश बनाऊंगी, बच्चों को भी भूख लगी है मुझे खुद को भी भूख लगी, पहले मैं बना लेती हूँ पुलाव और उसके बाद जो फिर वो बना।
तो कढ़ाई में ही बना लेती हूँ इसमें। और ये देखें जी, यहाँ पे जो है फिश का मसाला बन रहा है और यहाँ पे जो है इसका पुलाव का। तो ये देखिए पुलाव के लिए तो ये मैंने बना के रखे हुए हैं, टमाटर भी निकाले हुए हैं और आलू भी डालूंगी इसके अंदर। और ये जो इसके लिए फिश के लिए मसाला भी पीस लिया मैंने। और ये देखें पुलाव के लिए चावल में जो है पानी डाल दिया, अभी पानी जो इसका निकालूंगी, चेंज करूंगी इसका पानी। जब पुदीना जो है मैं निकाल लेती हूँ, चावल रखे हुए दम पे, और अभी ये पुदीना जो है धो के डालूंगी, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। चावलों में जो है मैंने पुदीना डाल दिया, तो अभी इसे जो है ढक्कन दे देते हैं। हुरैन आ जाओ मेरे बेटे, फिश तैयार है, फिश खाओगी आज मेरी बेटी। शाम के खाने में आज फिश है हमारे। फिश आपको अच्छी लगती है हुरैन? वो भी पापलेट सलीम। चलो भाई आ जाओ भाई, इसने डबल डबल कमीजें पहनी, अभी तक जो है इसने कमीज नहीं उतारी, ये देखो। आप लोग अलग से दावत देनी पड़ेगी, जल्दी आओ। तो ये देखिए जी, फिश जो है हमारी तैयार हो गई है, और ये पापलेट फिश थी, और साथ साथ में हमारी रोटियां भी बन रही हैं। और ये देखिए हमारी न्यू जो छाबी है, इसी में मैंने इनका आज इसमें हम आज जो हमने कहा न्यू छाबी में हम लोग डाल के खाएंगे, तो इसी में आज हम लोग वो खाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी रोटियां जो तैयार हो गई हैं, और यहाँ पे रोटी का इंतज़ार हो रहा है, और जहफा बैठा हुआ रोटी के लिए, भूख लगी। चलें तो अभी खा लेते हम लोग खाना। जी जान, भूख लगी मेरे बेटे को, चलो आप खाएं। आजो खा लो आजो भाई। चलें जी हम लोग कभी खाना खाते हैं। अब काफ़ी टाइम के बाद जो मैं लेके आई हूँ पापलेट, तो आज मैंने कहा चलो इसको जो है सालन बना लेते। पिछली बार सलीम की वजह से जो है मैंने इसको फ्राई करके खिलाई थी, आज ही जो है मैंने अपनी पसंद से सालन बना लिया। चलो अभी खाना खाते, खाना खाने के बाद मिलते हैं।